कैसा जा रही है? कसम वसम की बात नहीं है, ये ऑटो माल मुद्दा गाड़ी में मौजूद है, ऑटो वाला है, गाड़ी में माल है, तुम घर पे क्यों लेके जा रहे हो? एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प शहरी विभाग की ओर से आंगनवाड़ी चलती है, जिसके अंदर सभी गर्भवती महिलाओं को और तथा 5 साल तक रहने वाले बच्चों को खाना पानी दाना का इंतज़ाम गवर्नमेंट की ओर से बालवाड़ी में किया जाता है। लेकिन आज देखा गया है कि अकोला की मुजफ्फरनगर में 64 नंबर की बालवाड़ी में कई महिलाएँ आंगन सेविकाएँ अपना बालवाड़ी का सामान एटो में भरकर बिक्री करने के लिए ले जाती हुई पकड़ी गई। MH30BC1264 एटो क्रमांक में ये सब माल भरकर कहीं बिक्री करने के लिए ले जाता हुआ वहां के नगर सेवक इरफान खान ने पकड़ा। देखिए पूरी गर्भवती महिलाओं का जो ट्रीटमेंट रहता, जो उनको सुविधा रहती है, आज तक के तुमने कितने लोगों को दिए? 4 लोगों को रजिस्टर में बताते, अब 50 लोगों का ले लेते तुम, सही ना? तो कोई 64 नंबर होता, ये बालवाड़ी का माल तुम ये गरीबों का हक मार के लेके कैसे जा रहे? की बात नहीं है, ये ऑटो माल मुद्दा गाड़ी में मौजूद है, ऑटो वाला है, गाड़ी में माल है, तुम घर पे क्यों लेके जा रहे हो? अच्छा तुम लेके कहाँ जा रहे थे? 66 नंबर वालों को माल 64 नंबर में बालवाड़ी में से क्यों जाएगा? मेरे को समझ तो नहीं, अपने यहाँ मिलता होगा, अब ज्यादा रहता ना, बुलाओ उसको यहाँ पर, दूध का दूध पानी के पानी। नगर परिसर में 64 नंबर बालवाड़ी में बच्चों का जो अनाज आता है, बच्चों का जो अनाज का वितरण होता है, गर्भवती महिलाओं को उसमें जो सुविधाएं मिलती है, यहाँ पर एज ए नगर सेवक मुझे कई बार कंप्लेंटें आई नागरिकों की, क्या हमें अनाज दिया नहीं जाता, हमारे नाम रजिस्टर में लिखे हुए हैं और हमें ये फैसिलिटी नहीं दी जाती, और कागज़ पर ही यहाँ पर काम चल रहा है। 64 नंबर बालवाड़ी में आज हमने देखा कि ये ऑटो क्रमांक आपको दिख रहा होगा, ये ऑटो में भर के माल जा रहा था, हमने इस ऑटो वालों को पकड़े, उससे पूछे कि बताइए कि ये माल कहाँ पर जा रहा है, तो उसने मुझे जवाब दिया है कि तुलसी बाजार उत्पन्न समिति में। मैंने ऑटो को जगह पे रुका दिया, मैंने बोला तुमने कौन सी बालवाड़ी में से लाया, तो उसने बोला 64 नंबर बालवाड़ी में से मैंने ये माल लाया हूँ। मैडम से जब हमने इस बारे में बात की तो मैडम ने बोले कि ये 66 नंबर बालवाड़ी का माल है, तो मेरा ये बोलना है कि जब 65 नंबर बालवाड़ी का माल 65 नंबर में ही उतरता, 66 नंबर का 66 नंबर में उतरता, और 68 नंबर बालवाड़ी का माल 68 नंबर में उतरेगा, लेकिन 64 नंबर में क्यों उतरेगा? और 64 नंबर में अगर एक्स्ट्रा माल उतर है भी, तुमने ये तुमको नियम अनुसार मिलता, वहाँ से जितने लाभार्थी है उतने लाभार्थियों का तुमको अनाज मिलता, उतने लाभार्थियों का अनाज तुम्हारे पास गिनती के हिसाब से मिलता, तो तुम्हारे पास ये माल बचा क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब मैडम से पूछा गया तो मैडम ने बोले कि भाई ये 66 नंबर बालवाड़ी में कम पड़ गया, हम वहाँ पर भेज रहे, तो ये ऐसा तो कोई रूल है नहीं, 66 नंबर बालवाड़ी का माल 65 नंबर में नहीं आ सकता, 65 नंबर का 66 नंबर में नहीं आ सकता, 64 नंबर बालवाड़ी में यहाँ पर बहुत दिनों से गरीबों पे अन्याय हो रहा है, यहाँ पर लाभार्थियों को अनाज नहीं दिया जा रहा है और इसकी कालाबाजारी की जा रही थी और ये बाज़ार में बिकने के लिए जा रहा था। हमारी जिला अधिकारी कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इस ओर ध्यान देंगे, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और बाकी के बालवाड़ियों की भी चौकसी की जाए।